फिलहाल पता नहीं आज नींद आ पाएगी नहीं आ पाएगी। अभी सोऊंगा ना तो मुश्किल हो जाएगा, सुबह उठना मुश्किल हो जाएगा। मैं सोचता हूँ कि मैं ना अभी कॉफ़ी वगैरह पीता हूँ और अपना वीडियो वगैरह एडिट करता हूँ, 2 बजे मैं निकल जाऊँगा यहाँ से। फिलहाल बैठ के ना तैयारी श्यारी करते हैं और वीडियो एडिट करते हैं। रात के ना 2:01:57 और वीडियो मैंने अभी रेंडर किया तो फिलहाल 2:30 बज चुके हैं और पैक वगैरह पैक कर लिए। ये लैपटॉप बैग मैंने चेंज कर लिया, एक बैग ये, इसमें मेरे गर्म कपड़े हैं, कुछ मेडिसिन है, कुछ कपड़े पहनने के लिए कश्मीर में, कुछ बर्फ़ वाले एरिया में शूज़ है, और ये मेरा बैग साइड बैग। 29 को जाएंगे बालटाल। हमारी जर्नी जो है ना बालटाल से स्टार्ट, क्योंकि हम हर बार वहीं से करते हैं। आपके साथ पूरी चीज़ें शेयर करेंगे, जो कश्मीर की यात्रा है ना सारी बातें यहीं भी ख़त्म कर देंगे। अच्छे अच्छे व्यू मिलेंगे वहीं भी करेंगे ना। हे भगवान, सबकी अच्छी अच्छी जर्नी रखना। मम्मी लोग इधर सो रहे हैं। बाय। हेलो, मैं जा रहा हूँ। नहीं मुझे कोई बात नहीं, कोई बात सुने तो सुनो, ठीक है मैं जा रहा हूँ। मैं ना आपको जगाना नहीं चाहता था, फिर भी मैंने बोला एक बार जाते हुए आपको। पूरे 2:33 पे मैं निकल रहा हूँ, बाहर कैसे फूक पड़ी है। गाइस मैं सबसे पहले उठ गया हूँ, क्योंकि ना सबसे पहले उठ के ना सबको जगा रहा हूँ कि उठो उठो उठो, क्योंकि सब सो रहे थे। आपको पता ही, आपका उनको सोया नहीं, काम करता रहा। फिलहाल हम मेडिकल स्टोर में आ गए। ये मेडिकल स्टोर ना हमारे इस एरिया में 24 आवर सर्विस देता है, और जो भैया है ना वो अंदर सो रहे हैं, अभी आएंगे। अभी ATM से कैश विड्रॉल करवा लें, क्योंकि जब आप ट्रैवल करो ना तो आपके पास कैश होना बहुत ज़रूरी है। हर जगह स्वाइप फ़ोन पे नहीं चलता, कैश जरूरी है, इसलिए कैश निकाल के रख लिया। वैसे तो चलो सभी के पास होता है। अरे भैया सबसे जल्दी ना मैं उठा और भैया को लेके आया, और पता क्या है कि हमें बुलाया इन्होंने 3 बजे आ जाए ना, 3 बजे निकल जाएंगे, लेकिन 4 बजा दिए इन्होंने। ऐसे कर रहे हैं जो हमारे साथ गेम खेल रहे हैं। गेम है भैया जी, गेम खेल रहे हो तुम? नहीं, हमने जग में डाल दिया ना आपको। किस में डाल दिया? जग में। चलिए अभी हमारा जो ट्रैवल होगा ना, तो हमने आपको बता दिया कि हमारे साथ कौन कौन जा रहे हैं। मैं जा रहा हूँ, ये भैया जा रहे हैं, इनका नाम डीबी है, ये हमारे रम भैया है, और उधर है भाभी जी, और एक लड़का और है जो कि अभी रेडी हो रहा है। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਖੱਟੇ ਲੱਡੂ, ਐਦਾਂ ਹੀ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਖੱਟੇ ਲੱਡੂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਖਾਓ ਮਾਰੋ। ਲਖਨਪੁਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲੱਡੂ ਨਾ ਖਾਏ ਤੋ ਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਪਾਲਕ ਲੱਡੂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਕੋ ਪਾਗਲ ਲੱਡੂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਥਾ। ये डाली खट्टी चटनी, ये मीठी है, ये कौन सी है? पुदीना पुदीने वाली। गाइस मुंह में पानी आ रहा है, देखती चम्मच नहीं दे रहे, कह रहे हाथ से खाओ। चम्मच से खुल नहीं जाएंगे भाई, चम्मच डेढ़ खुली रहती है आपकी। हाँ भैया, क्या बात है, हमारी राज रुके। मुँह में पानी आ रहा है, किस किस के मुँह में पानी आ रहा है बताना मैंने। फिलहाल हम ना जम्मू पहुंच गए और पहलवान ढाबा यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, और पता नहीं आगे मिलेगा या नहीं। ये बाइक चला रहा है भाई, और रास्ते में हमने लिया ये पतीसा, प्रेम की हट्टी, क्योंकि काफी फेमस है यहाँ का पतीसा। वैसे आजकल पता क्या है कि आजकल यात्रा स्टार्ट होगी ना, और दूसरा टूरिज्म बढ़ रहा है, छुट्टियां वगैरह चली हुई है, जिसकी वजह से जाम बहुत लंबा लगा हुआ। पहले बनिहाल में लगा हुआ था कम से कम 1.5 घंटे का, लेकिन अभी फिर से जाम लगा हुआ तगड़े वाला। अपने से ना हमें जाम भी मिलता है, रुकने का मौका मिलता है, साथ ही यहाँ के ना नेचर को भी इंजॉय कर लेते हैं। 2 किलोमीटर। तो गैस फिलहाल ना लाल चौक में पहुंच चुके हैं, और हमें ना खाने के लिए कुछ मिल नहीं रहा है। एक ड्राई फ्रूट स्टोर पे आए तो ड्राई फ्रूट ले लिया खाने के लिए, इसलिए मार्केट में ना बहुत रश है। और आपको ना बकरीद की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो फिलहाल निकलते हैं, पता नहीं हमारी टीम कहाँ गायब होगी, और बहाने से मेरे को ना लाल चौक में घूमना भी हो गया।
गाइस हम सामने जो हाउस स्पॉट है ना यहाँ पे रुकते होते थे। गाइस सुबह से भूखे कहीं भी खाना नहीं मिल रहा, हम नथु स्वीट्स में आए तो यहाँ पे भी मिठाई मिल रही है क्योंकि ना कल है ईद जिसकी वजह से सारे ना हाँ शंकराचार्य मंदिर सारे सेलर ना मतलब कि जो खाना भी देते थे ना वो भी खाना ही दे रहे, मिठाई सेल कर रहे क्योंकि कल है ईद। तो ईद की आप सभी को ना ढेर सारी शुभकामनाएं। तो सामने शंकराचार्य मंदिर है, फिलहाल ना रात के 8:30 होने हो चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं बालटाल में। और हमने पहले सोचा कि हम श्रीनगर रुक जाएंगे या फिर अपना सोनमार्ग रुक जाएंगे, फिर हम बालटाल पहुंच के कि अभी अभी एंट्री कर ले। वैसे तो 1 जुलाई को पहली यात्रा स्टार्ट हो जाएगी लेकिन हमें 2 मील तक पहुंचना है और गाड़ी को हमने यहीं पे रख दिया और अपने सामान वगैरह हमने उठा लिए क्योंकि हमारा चेकिंग होगा अच्छे से। ये मेन चीज़ थी बालटाल के सिक्योरिटी चेक पोस्ट को क्लियर करना जो कि हमारा हो गया है और हम अंदर एंटर हो चुके हैं। और जो यात्रा है ना वो 1 जुलाई से स्टार्ट होगी और हम एडवांस में आ गए, पहले ही आ गए और हम 2 मील तक जाएंगे। 2 मील एक ऐसी जगह है वहाँ पे आपको बताते हैं, वो हमारे एरिया से है। यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा हो रखी है और मैंने जैकेट वगैरह कुछ नहीं पहनी, मेरा एक बैग ये है, एक ये है, एक मैंने ये ले रखा है अपना लैपटॉप बैग। और लैपटॉप कैमरा आप लेके आ सकते हो, चेक पोस्ट पे कोई दिक्कत नहीं होगी और जाने दिया। बस यही है कि बेस कैंप के इधर इधर आपको वीडियो नहीं करना, बेस कैंप के बाहर आप वीडियो कर सकते हो। हमारा प्लान था ना कि हम ना सोनमार्ग में रुक जाते या फिर गुलमर्ग बोल रहा हूँ कश्मीर में डल लेक के पास, बट क्या है कि टाइम वेस्ट होता हमारा, हम आज के डेट में निकलोगे, सुबह हम जल्दी स्टार्ट कर लेंगे। कल 29th है, 29th को कर लेंगे हम, 1st को हो गया, हम आपको एडवांस में दर्शन करवा देंगे सबको। गर सुबह से खाना अभी मिला, बहुत ज़्यादा थक चुके थे, बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारी जो जर्नी थी यहीं तक थी डोमेर तक, और सुबह हम डोमेर से ना यात्रा स्टार्ट करेंगे अमरनाथ जी के लिए। हमें पता नहीं था हम यहाँ पे इतनी जल्दी पहुँच जाएंगे, बट जैसा भी हुआ बढ़िया हुआ। यहाँ से हमारी यात्रा स्टार्ट होगी कल रियाल पत्थरी, मतलब 2.5 किलो मेरे को जाना होली केव। टोटल जो हमारी कल की जर्नी होगी ना वो होगी 11.75 किलोमीटर की। तो अभी फिलहाल रेस्ट करते हैं, बहुत हो गया आज का लोग, बहुत ज़्यादा टायर्ड भी हो चुके हैं, खाना वगैरह भी खा लिया। और मैं यहाँ से आया कल से, यहाँ से हमारी यात्रा स्टार्ट होगी 2 मील से। और गाइस मैं आपको बता दूँ ऊपर भी लंगर होंगे, शेल्टर्स होंगे, ये एक इकलौता है जो कि पक्का है। और इधर जो बालटाल है पीछे वहाँ पे लंगर ऐसे लगते हैं जैसे ना इतनी सेवा करते हैं लोग जैसे शादियाँ होती है। यहाँ पे खाना वगैरह कोई रेस्टोरेंट वगैरह नहीं होता, बस ऐसे ही मिलेगा आपको लंगरों में। और कल देखते हैं सुबह अर्ली मॉर्निंग हम निकलेंगे 1:30-2 बजे। तो 2 दिन से मैं सोया नहीं, सुबह में निकलना, अगर मैं लेट हो गया ना तो रह जाएगा। बाकी की यात्रा हम सुबह स्टार्ट करेंगे, इस वीडियो में यही पेंड करते हैं और मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और बाकी सब बढ़िया। बाय बाय।